ट्राई करेंगे वीली। तुम्हें नहीं पता कि किसी के साथ क्या हो रहा है, उसको कितना हर्ट हो रहा है, प्लीज मजाक बनाना बंद करो यार। फिर भी मैं चुपचाप सहता रहा कि बोल रहे इनका मुंह चुप हो जाएगा। और हुआ भी, मतलब साथ वाले थे, मैं नाम नहीं लूंगा, पूरा मान जाएंगे वो लोग। हेलो भाई, देखो आप में से जो भी, मतलब आप में से जो भी कैमरा, हेलमेट और बाइक खरीदना चाहता है या फिर लैपटॉप, वो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है। ठीक है, मैं अपना चैनल, ये मेरे चैनल की आखिरी वीडियो है, उसके बाद शायद या फिर आगे फ्यूचर में भी ना आए। ठीक है, और जो मैंने इतने टाइम से कर रहा हूँ, मेरे को लगभग 4 साल हो गए करते हुए, तो वो मैं बंद कर रहा हूँ क्योंकि कैसे बताऊँ, बस कर रहा हूँ यार मैं, ये मेरे को मतलब मेरा ये जो मेरा काम है, ये मेरे को मेंटली बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ फिजिकल हो। ठीक है, मतलब अभी मैं, मतलब छोड़ो, अगर तुम्हें से किसी को कैमरा चाहिए तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है इंस्टाग्राम पे, और मेरे पास है कैनन EOS M50 1545 लेंस, ये मैंने बहुत पहले लिया था, लगभग 2 साल 3 साल हो गए शायद। तो अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे पास एक लैपटॉप है, मैकबुक प्रो 16 इंची, 2019 है शायद या 2020 है, 2020 है शायद। ठीक है, और 500 GB है, 1 TB से नीचे वाला, ये भी मैं सेल कर रहा हूँ। मेरे पास रोड का माइक है और ट्राईपॉड, रिंग लाइट, मतलब मैं अपना सारा सामान बेच रहा हूँ। और किसी को बाइक चाहिए हो तो बाइक मेरे पास है कॉन्टिनेंटल GT 650, और हेलमेट मेरे पास ये है। ठीक है, और बस मेरा नाम लिखा हुआ था यहाँ पे मेरे चैनल का, मतलब इंस्टाग्राम के लोगों के साथ सेम नाम है ना मेरा, मतलब ये ब्लॉग आखिरी है, बस मैं सारा सामान पैक कर रहा हूँ भाई। अब उससे नहीं बोला जा रहा, और ये चैनल में खाली
लाइफ अलग होने वाली है मेरी, और जितनी जल्दी हो पाएगा मैं सोचूंगा डिलीट करने की। वैसे मैं डिलीट नहीं करूँगा कभी ये चैनल, मतलब यूट्यूब की खुद पॉलिसी होती है कि 1-1.5 साल में अगर वो एक्टिव नहीं होता है चैनल तो उसको डेड कर दिया जाता है। तो मैं खुद से तो नहीं डिलीट कर पाऊंगा यार। बस मैं ये चैनल डिलीट नहीं करूंगा कभी नहीं। मैं आगे सोच के फट रहे हैं, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो काफी लोग ना, मतलब अपने साथ वाले बहुत मजाक बनाते थे यार, बहुत ज्यादा मजाक बनाते थे, हद ज्यादा हंसते थे। फिर भी करा, काफी करा, पर किसी ने बस, या तो उनकी बात सच हो गई या तो फिर मैं कर नहीं पाया, पता नहीं मुझे। ठीक है, बस फिलहाल तो यही है। ठीक है, अब मैं इससे ज्यादा मैं बता नहीं सकता। ठीक है, और भाई जो मजाक उड़ाते थे भाई, उनको भी बोलूंगा कि भाई तुम्हें नहीं पता कि किसी के साथ क्या क्या हो रहा है, उसको कितना हर्ट हो रहा है, प्लीज मजाक बनाना बंद करो यार। फिर भी मैं चुपचाप सहता रहा कि रहने दे, बोल रहे इनका मुंह चुप हो जाएगा। और हुआ भी, मतलब साथ वाले थे, मैं नाम नहीं लूंगा, बुरा मान जाएंगे वो लोग, बुरा इस सेंस में मान जाएंगे कि इसने ऑनलाइन डाल दिया, सामने नहीं बोला। ठीक है, तो लोग मजाक बनाते हैं भाई, बहुत ज्यादा बनाते हैं, और मेरे अंदर जितनी हिम्मत थी, जितना भी मैं कर सकता था मैंने किया, अब बस अब नहीं है। ठीक है, और मैं इस लोग को पूरा रो रखूंगा भाई, एक भी बीच में कट नहीं मारूंगा, बिल्कुल भी कट नहीं मारूंगा। ठीक है, और मैं अपने चैनल को डिलीट नहीं करूंगा, और अगर फ्यूचर में कभी, मतलब अब तो नहीं हो पाएगा, मतलब नहीं, सब खत्म हो गया। ठीक है, बहुत प्लान्स थे, बस अब नहीं होगा। ठीक है, बस फाइनल हो गए है कि बस बंद करना है मेरे को यूट्यूब चैनल अपना, और मैं चैनल डिलीट नहीं करूँगा, बस अब नहीं करूँगा कंटिन्यू। और ये वीडियो उन सब के लिए भी है भाई जो मेरे को कॉल करते हैं, मेरे दोस्त, और जो मजाक बनाते थे इंस्टाग्राम पे मिल के, फिजिकल कह रहा हूँ, पर्सनली मिल के। ठीक है, तो भाई तुम्हारी शायद बात सच हो गई भाई, और मेरे को झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा दुख है मेरे को इस बात का, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, बस मेरे को सामान पैक करना है सारा का सारा, ये रिंग लाइट, ट्राईपॉड, लैपटॉप, सब चीज़, बस एडिट करके मैं ये सब पैक कर दूंगा, और फ्यूचर में अगर कभी खुला तो आज क्या पता। बस आज बहुत हारा हुआ मैं, उससे नहीं बोला जाएगा यार। बाय।